सो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है पोको एक्स टू के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर MIUI 11.0.7 की अपडेट मिल गई है आपके भाई को। मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं मिली, मैंने जाकर डाउनलोड करी। अगर आपको करनी है तो आप गूगल पर ट्राई मार सकते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 11.0.4 यूज़ कर रहा था, एक तो इतना बड़ा नाम है। यहाँ पर 6 की नहीं मिली, 7 की मैंने इंस्टॉल करी और भाई साहब काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली मुझे इस फ़ोन के अंदर। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, अभी लॉकडाउन बढ़ चुका है और आप लोगों के लिए बढ़ाया ये, ताकि आप लोग बाहर ना जाए, इन्फेक्टेड ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें। तो ऐसे बाहर बार मत जाना। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड करवाया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आपको कोई या मेडिसिन या मास्क वगैरह चाहिए तो आप वहां से जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और आप यहां पर डोनेट भी कर सकते हैं अगर आपको डोनेट करना है। और ये वीडियो कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। तो जाइए, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ओपन करके देखना, काफी सारी चीजें हैं साइट पर। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इस अपडेट की। तो यहाँ पर भाई आपके भाई ने अपडेट कर लिया, उससे पहले 11.0.4 में आपके भाई को PUBG में एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने के लिए मिल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन मैंने लेटेस्ट पैकेज भाई डाउनलोड कर लिया था सेटिंग्स में जाकर 11.0.4 के अंदर ही, तो ये एक्सट्रीम का ऑप्शन चला गया उसके बाद। तो आपके भाई के दिल पे बहुत पत्थर गिरे। वो रात अपन 2 बजे तक पिया, हालांकि उस टाइम पर गेम प्ले बहुत स्मूथ हो गया था, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन अब बात करें 11.0.7 के बाद, तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आपको स्पेशल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको गेम टर्बो मिलता है। गेम टर्बो के अंदर आप भाई और गेम को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर मैं PUBG को खोल कर दिखाता हूँ। PUBG को ओपन करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ से तो गेम टर्बो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप FPS भी देख सकते हैं, मतलब आप कितने FPS पर गेम को चला रहे हैं। तो ये भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ है, पोको की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। और यहाँ पर मैं इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करता था ये पता करने के लिए कितने FPS पर गेम चल रहा है। ये आपको बात पता ही होगी, मे बी कल लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर आप भाई विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप गेम टर्बो के अंदर ही देख सकते हैं। एंड सेकंड चीज, यहाँ पर आप और भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं किसी भी गेम को खेलते समय। लाइक यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ही चला सकते थे, लेकिन अब आप और भी विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 विंडो ओपन करी है भाई। आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं पबजी खेलते हुए। तो यहाँ पर भाई पहली बात, इतनी सारी विंडोज़ कोई नहीं खोलने वाला, लेकिन यहाँ पर पोको वालों ने पूरा हमारा ख्याल रखा है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो ये भी भाई एक तरीके से PUBG वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, जो कि YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं पोको फ़ोन उसके लिए बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वो ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। लास्ट टाइम से पहले जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली है MIUI 11.0.7 के साथ। अब बात कर लेते हैं PUBG के गेम प्ले की। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोई एक्सट्रीम का अभी आपको ऑप्शन नहीं मिला, पहले था लेकिन चला गया। तो यहाँ पर आपका भाई थोड़ा खेल कर दिखा देता है आपको, फिर बताऊँगा क्या ये फ़ोन हीट होता है, ड्रेन इशू है या नहीं है। तो चलिए, लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था पोको की में कि मेरी यूनिट के अंदर कोई ड्रेन इशू नहीं है, तो अभी भी मुझे कोई देखने के लिए नहीं मिला और मेरी यूनिट के अंदर कोई हीटिंग इशू भी नहीं आया। तो MIUI 11.0.7 यानी कि जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो भाई काम की तो है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेटर ऑप्टिमाइज हो गई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिले हैं, जिसकी अभी एक फीचर की ओर हम बात करने वाले हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप इसे अपडेट कर सकते हैं, और जो गेम प्ले है वो पहले की तरह ही है, मतलब इतना इंप्रूव नहीं हुआ। खैर, यहाँ पर अब बात करें क्या ये फ़ोन हीट हुआ, तो भाई मेरी यूनिट बिल्कुल भी हीट नहीं हुई। मैं कहूँगा पहले मेरे को ऐसे शक था, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो देख चुका था, तो मैंने यहाँ पर ट्राई करा, बट नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 डिग्री से ऊपर नहीं गया टेम्परेचर, आ गया पीछे, और मैंने इसमें करीब करीब आधे घंटे गेम खेला है। तो यहाँ पर आप भी मस्त गेम खेल सकते हैं, PUBG और बनाइए सब्जी, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको भाई WhatsApp का ना किसी का भी स्टेटस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसा फीचर देखने के लिए मिलता है, लाइक आपको इसके ब्राउजर में जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको 3 बार मेन्यू देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर आपको सेटिंग्स में घुसना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली नीचे की तरफ वर्जन इन्फॉर्मेशन होगा। अब इस पर आपको 10 बार टैप करना है, और 10 बार टैप करते ही आप डेवलपर मोड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबको इनेबल कर दीजिए, इनेबल करने के बाद रिबूट कर दीजिए, और रिबूट करने के बाद जैसे आप ऑफ करेंगे, मतलब ब्राउजर से बाहर निकलेंगे और फिर ब्राउजर में आएंगे,
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सअप है। मेरे में भी व्हाट्सअप बिजनेस है तो यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहा, बट आपको आसानी से ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अपडेट आई है, ऑप्टिमाइज हुआ है और साथ साथ पबजी वालों का भी ख्याल रखा है, लेकिन अभी वैसी अपडेट नहीं आई जिस चीज़ को लेकर मैं कहूँगा इस फ़ोन को। खैर, इस फ़ोन के अंदर बग्स काफ़ी सारे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एक बग काफ़ी बड़ा मैंने अभी उठाया है इस फ़ोन को लेकर, और हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पोको के जनरल मैनेजर का खुद भाई रिप्लाई आया मेरे ट्वीट पर, सो थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी कंपनी वाले तो ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोविड के रिगार्डिंग तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस अपडेट को कर सकते हैं भाई जाकर डाउनलोड, अभी पहुंच जाइए अगर करना चाहते हैं, वो आपको इनकी साइट पर मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो तो फॉलो करो यार, नहीं कर रहे क्या बात कर रहे हो। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा, शुक्रिया टू वॉच यू हार्ट फिर विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।